है, रात में इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये सारा कुछ हम सारा डिजाइन हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप सबको बकरीद की बहुत बहुत मुबारक हो। और आज की वीडियो में हम RTR 4V 160 को मॉडिफाई करने वाले हैं और इसके हेडलाइट में एक स्मोक ब्लैक लगाने वाले हैं जो कि बिल्कुल यूनिक है। और इसके बारे में हम रिव्यू भी देने वाले हैं कि ये अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो ये आपके बाइक में सक्सेस होता है या फिर नहीं होता है, इसको लगा करके रखना आपके बाइक के लिए खतरा साबित हो सकता है क्या, ये सारा कुछ इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। और बिल्कुल सही सही बताने वाले हैं, एक जरा भी हम फेक नहीं बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स हम फेक वीडियो नहीं बनाते हैं, जो सही होता है वो सामने आकर के आपको हम बता देते हैं। और साथ ही साथ इसके हेडलाइट के साइड में एक मॉडिफाई करने वाले हो, टैंक में भी एक मॉडिफाई करने वाले हैं, वाइट रैपिंग देने वाले हैं। तो गाइस वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल होने वाली है, तो वीडियो के एंड तक आप जरूर बने रहे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए। तो चलिए गाइस हम वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास है RTR 4V 160 cc की बाइक है और इसको हमको करना है मॉडिफाई। इसका हेडलाइट में भी हमको मॉडिफाई करना है और इसके साइड में अभी हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं साइड में, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं साइड में जो है स्क्रैच लगा हुआ है और इस स्क्रैच को हमको मॉडिफाई करना है। चूँकि इसको स्क्रैच ढकना है इसलिए हमको इसमें मॉडिफाई करना है। तो कैसे मॉडिफाई करना है कि स्क्रैच ढक जाए और ये बाइक न्यू है और देखने में भी अच्छा लगे। तो फ्रेंड्स ये BS6 बाइक है, इसको जैसे तैसे मॉडिफाई नहीं करना है, इसको यूनिक डिजाइन निकालना है। दोनों साइड होगा और मेडगार्ड में भी डिज़ाइन होगा तब जाकर कि ये मिलेगा। तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत ही यूनिक होने वाला है और इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इसके हेडलाइट में जो हम स्मोक ब्लैक लगाएंगे वो भी आपको हम दिखाएंगे और वो भी हम बताएंगे कि ये स्मोक ब्लैक सही है या ख़राब है, ये आपको अपने बाइक पर लगा करके रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए और इसको लगाने से आपका क्या नुकसान हो सकता है। और यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं ये टैंक है और टैंक के ऊपर हमको वाइट रैपिंग करना है और ब्लैक का जो डिज़ाइन है और रेड का जो डिज़ाइन है इसको निकाल देना है। वाइट रैपिंग इसलिए करना है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये वाले जो आप स्क्रैच देख पा रहे हैं, इसी स्क्रैच को हमको ढकना है, इसलिए हमको इसी कलर का क्रीम कलर का वाइट इसमें यहाँ पर इंस्टॉल करना है और ये ब्लैक को हमको निकाल देना है बाहर ताकि ये डिज़ाइन बन जाए। तो फिर इस तरह का हम वीडियो अपने चैनल पर पहले भी अपलोड कर चुके हैं लेकिन इस तरह का डिज़ाइन नहीं अपलोड किए, साइड में थोड़ा सा अलग डिज़ाइन था और इसमें कुछ अलग डिज़ाइन है और बहुत ही अलग है। और इस वीडियो में जो हम स्मोक ब्लैक लगा रहे हैं ये बिल्कुल अलग है और सबसे हट करके है और इसके बारे में आपको बहुत कुछ जानकारी मिलने वाली है। तो गाइस वीडियो के एंड तक आप जरूर बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे पास है स्मोक ब्लैक और इसी स्मोक ब्लैक को हमको वहाँ पर इंस्टॉल करना है। और आपको हम यहाँ पर बता दें कि ये जो स्मोक ब्लैक है ये 3 लेयर में आता है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे बढ़िया वाला है, सबसे अच्छी क्वालिटी का है। और यहाँ पर हमको 10 इंच बाय 10 इंच इसको हमको कट करना है चूँकि उसका साइज 10 इंच है, हालाँकि वहाँ पर साइज है 9 इंच लेकिन हमको 10 इंच लेना है। 8 इंच बाय 9 इंच है लेकिन हमको 10 इंच लेना है, 10 इंच बाय 10 इंच इसलिए लेना है क्योंकि हमको थोड़ा सा इसमें बढ़ा करके लेना होता है। और फ्रेंड्स ये आपको फिर एक बार बता दें कि 3 लेयर में आता है और ये 3 लेयर जो फ्रेंड्स है ये इंपॉर्टेंट आती है, ये सबसे अच्छी क्वालिटी की आती है। लेकिन इसको इंस्टॉल करने के बाद फ्रेंड्स आपका हेडलाइट जो है वो पूरी तरह से ब्लैक हो जाएगा जो कि देखने में बिल्कुल यूनिक लगेगा और बहुत ही ज़बरदस्त देखने में लगेगा। लेकिन फ्रेंड्स इसका रात में क्या डिमेरिट है, रात में इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये सारा कुछ हम वीडियो के एंड में आपको बताएँगे। इसका लाइट इफ़ेक्ट क्या होता है, अगर आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो इसका लाइट किस हिसाब से आपको दिखता है या फिर आपको देखने में प्रॉब्लम हो सकती है, ये सारा कुछ हम वीडियो के एंड में आपको बताएँगे। तो वीडियो के एंड तक आप ज़रूर टिके रहिएगा। इस हेडलाइट को हम मॉडिफिकेशन करने के बाद आपको टैंक का मॉडिफिकेशन दिखाएंगे और फिर यहाँ पर साइड में जो हमने बताया स्क्रैच का, तो यहाँ पर हम इसको मॉडिफाई करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा हिंट्स दे दें कि ये जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं, हालांकि पहले आपको ये बता दें कि 3 लेयर में ये सॉफ्ट है, ये बहुत ही सॉफ्ट है। अगर इसको आप किसी मार्केट से किसी दुकान से आप खरीदते हैं तो इसको आप घर में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ये बहुत ही स्ट्रेचेबल है और सॉफ्ट है, बहुत टनाता है और बहुत ईजिली इंस्टॉल होता है, इसको इंस्टॉल करने में टाइम नहीं लगता है। लेकिन अगर आप इसको ऑनलाइन मंगाते हैं तो इसका हम कोई गारंटी नहीं लेते, ऑनलाइन का सामान सही नहीं होता फ्रेंड्स। और अगर आपको इसको इंस्टॉल खुद से घर में करना है, अगर ऑनलाइन आपको इसको मंगाना है तो ऑनलाइन आप अगर खरीदेंगे तो इसमें आप एवरी कंपनी का आप इसको जो है मंगाएंगे तभी आप इसको इंस्टॉल कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको हॉट एयर गन का ज़रूरत पड़ सकता है अगर आप इसको घर में इंस्टॉल करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ये जो है स्मोक
ब्लैक ये कंप्लीट हो गया है। और अभी हम इसमें से थ्री लेयर जो तीसरा लेयर है ये भी हम यहाँ से निकाल रहे हैं। आप देख पा रहे फ्रेंड्स ये तीसरा लेयर निकल रहा है और अंदर से जो है कितना क्यूटनेस सब ब्लैक निकल के सामने आ रहा है और बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब देखने में इसका हेडलाइट लग रहा है। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं तीसरी जो है दूसरा डिज़ाइन की तरफ, जो टैंक के बारे में हम बता रहे थे। तो टैंक का डिज़ाइन हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। टैंक में जो है ये आप देख पा रहे हैं वाइट विनाइल हम इसमें रैपिंग कर रहे हैं। पूरी तरह से इसको वाइट हमको कर देना है और पूरी तरह से वाइट करने के बाद फिर हमको जो है ब्लैक का जो आप देख पा रहे थे वहाँ पे स्क्वायर में सॉरी फ्लैट में डिज़ाइन था तो उसी डिज़ाइन को हमको कट करके यहाँ पर निकाल देना होता है, तब जा करके ये डिज़ाइन वहाँ पर कम्प्लीट जो है लगेगा, देखने में अच्छा लगेगा। और जो है वहाँ पर आप देख पा रहे थे वहाँ पर जो एक स्क्रैच आपको हमने वीडियो के शुरू में दिखाया था तो वो स्क्रैच यहाँ से ढक जाएगा। और फ्रेंड्स आपको एक बात बता दें कि ये जो विनाइल है ये सॉफ्ट है और बहुत इजीली ये जो है नहीं निकलता है। अगर आप इसको निकालना चाहेंगे तभी ये निकलेगा और आपका टैंक के कलर को ख़राब नहीं करेगा और देखने में अच्छा लगेगा और बाइक के साथ ये मैच हो जाता है। तो फ्रेंड्स आपको हेडलाइट के बारे में बताया कि हेडलाइट का जो हमने स्मोक ब्लैक जो वहाँ पर इंस्टॉल किया है तो उसमें क्या डिमेरिट है ये सारा कुछ हम वीडियो के एंड में बताएंगे। ये सारा डिज़ाइन हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम उसको फिर से एक बार आपको दिखाएंगे और दिखा करके उसका फुल रिव्यू आपको बताएंगे। और जो बाइक ओनर जो इसको इंस्टॉल करके अपने घर ले गए और वहाँ पर उनका क्या प्रतिक्रिया रहा, उनके साथ क्या जो हुआ लाइट रात में जलाने के बाद, ये सारा कुछ हम फुटेज आपको वीडियो के एंड में दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो है ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया और हमने इसमें कट करके इसको निकाल भी लिया है। आप देख पा रहे हैं ये बिल्कुल यूनिक लग रहा है और अच्छा लग रहा है, जरा सा पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पर जो हमने वाइट विनाइल लगाया है। और यहाँ पर फ्रेंड्स हम जो है रेडियम का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इसको हमको साइड में डिज़ाइन बनाना है और मिडगार्ड में भी डिज़ाइन बनाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम रेडियम का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि रेडियम बहुत आसानी से यहाँ पर मुड़ जाता है और विनाइल अगर हम देते हैं तो जगह पतला है, कोनिया जगह होता है, इसकी वजह से यहाँ पर विनाइल नहीं रहेगा, ये बाद में दिक्कत कर सकता है। हालाँकि रेडियम आपको बाद में थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा निकालने में, लेकिन इसको रिक्स लेकर के हम लगा रहे हैं क्योंकि इसको हम ही निकालेंगे। अगर बाद में रिमूव करना होगा तो ये मेरे पास ये बाइक आएंगे और हम इसको रिमूव कर देंगे, इसीलिए हम यहाँ पर रेडियम का यूज़ कर रहे हैं, बाकी हम आपको रेडियम के यूज़ नहीं करने कहेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारा ये सारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया और मेडगार्ड का डिज़ाइन जो भाई साहब ने मना किया तो इसलिए हम मेडगार्ड छोड़ दे रहे हैं, किसी और वीडियो में मेडगार्ड का डिज़ाइन दिखाएंगे, इस वीडियो में यहीं तक दिखाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स अभी आपको हम पूरा डिटेल देने वाले हैं कि जो है ये जो आप हेडलाइट देख पा रहे हैं इसका क्या ख़राबी होता है। तो फ्रेंड्स अभी आपको हम जला करके दिखाएंगे कि ये इसका रोशनी क्या होता है जलने के बाद। और ऐसे तो बिना मतलब जला हुआ ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, ऐसे दिन में आप इसको लगाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत और यूनिक देखने में लगता है, लेकिन रात में क्या इसका जो है रिव्यू होता है ये सारा कुछ अभी हम वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। फ्रेंड्स आप डिज़ाइन देख पा रहे हैं, डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है और मेडगार्ड में अगर लगता तो बहुत ही यूनिक लगता, लेकिन टाइम की कमी के वजह से जो है टाइम नहीं था, इसके वजह से भाई साहब को कहीं आना था, इसके वजह से जो है ये वाला डिज़ाइन छोड़ दिया। लेकिन अभी हम आपको मेडगार्ड जो है सॉरी हेडलाइट आपको जला करके यहाँ पर दिखाएंगे कि ये कितना ज़बरदस्त देखने में लगता है। तो फ्रेंड्स इस स्मोक ब्लैक के बारे में एक बात और बता दें कि इसको अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो इसको कम से कम 2 से 3 दिन आपको इसमें धूप कम से कम एक घंटा दो घंटा इसमें लगाना पड़ेगा और उसके बाद फिर अगर इसमें आप पानी देते हैं या फिर वाटर किसी तरह जाता है तो इसमें कोई नुकसान नहीं होता। और यहाँ पर भी फ्रेंड्स ये वाइट वाला विनाइल जो है इसके बारे में भी आपको बता दें कि इसको आप इंस्टॉल करने के बाद 2 से 3 दिन इसमें कम से कम 2-3 घंटा धूप लगना होता है, तब जा करके परमानेंटली बैठ जाता है, उसके बाद फिर पानी पड़ता है तो ये रिमूव नहीं होता है। नहीं तो अगर आप यहाँ पर पानी पड़ जाएगा तो ये रिमूव हो जाएगा, क्योंकि ये अच्छी क्वालिटी का प्रीमियम क्वालिटी का है तो इसके लिए थोड़ा सा इसमें प्रोसेसिंग भी ज़रूरत है, तब जा करके सही से बैठता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसको हमने जो है लाइट जलाया है और लाइट जला करके आप देख पा रहे हैं कि ये उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है। लाइट आपका रात में निकल के बाहर नहीं आएगा और आप जो है दिक्कत हो सकती है इसको आप लगाने के बाद। तो फ्रेंड्स हम आपको यही रिकमेंड करेंगे, यही कहेंगे कि अगर आप शौकिया तौर पर इसको लगाना चाहते हैं और इस बाइक को सिर्फ दिन में ही यूज करना चाहते हैं, जिस बाइक के हेडलाइट पर आप लगाना चाहते हैं और दिन में ही यूज करना चाहते हैं तो ये चीज़ आपके लिए बहुत बेटर है, बहुत ही अच्छा है। और एक चीज़ ये भी होती है कि आपके हेडलाइट में स्क्रैच भी नहीं आता अगर आपका बाइक गिरती है तो, या फिर आप ऐसे जगह पे रहते हैं शहरों में रहते हैं जहाँ पे लाइट की कोई कमी है ही नहीं, आपको अपने हेडलाइट से कोई मतलब है ही नहीं तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, वरना ये आपके लिए कोई काम का नहीं है, रात में अगर ये लाइट नहीं दे तो बेकार है। तो आई होप फ्रेंड वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए। तो हम मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद जय भारत।